आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। इंदौर के एम्बा अस्पताल के वीडियो हुए वायरल। वीडियो में डॉक्टर मरीजों को ठीक से नहीं दे रहे जवाब। सामने आया डॉक्टरों के लापरवाही वाला रवैया। घर के बाहर खेल रहे ट्रक ने 10 साल के बच्चे को मारी टक्कर। घटनास्थल पर ही बच्चे ने तोड़ा दम। इंदौर में कंप्यूटर बाबा ने पीएम मोदी को दी जीत की बधाई। कहा अब मोदी जी राम मंदिर का निर्माण करवाएं और गंगा की सफाई भी करवाएं। स्वास्थ्य मंत्री के सपनों के हॉस्पिटल एमवाई में कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस की सरकार बनते ही स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने न जाने कितने दौरे किए। अस्पताल में व्यवस्थाओं के सुधार के आदेश भी दिए लेकिन उन सब का अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे ही अलग अलग तीन वीडियो सामने आए हैं जिनमें एमवाई अस्पताल में तैनात डॉक्टर मरीज के परिजनों से किस तरह बात कर रहे हैं। को नहीं करना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उससे भी कोई मतलब नहीं है। सुनो एक सेकंड, आपको आती है दवाई लगाने? कितनी दवाई लगती है? तो फिर लगा रहे हो डॉक्टर को? लगा रहे तो फिर क्यों लगा रहे? तकलीफों की हम किसके पास जाए? तो क्या कर सकते हो? घाव लेके आए ना, किसी का सोचता है एक दिन ना जादू छड़ी लगा के तकलीफ खत्म कर दूं, ये सोचा है? हड्डी टूटी है ना और घाव है ना, चिल्लाने स्टार्ट तू करिए। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हम लोग 12 बजे एक बजे बैठ के काम करते हैं तो कोई घर नहीं जाता, ठीक है? तभी अस्पताल चल रहा है। क्या हुआ क्या? अरे इसको भाई को भर्ती नहीं करवानी, ये नहीं करवानी। इनका है कि ड्रेसिंग मत करो, रात को सुबह 6 बजे तक दिक्कत हो रही है हमको। मरीज ठीक है? बोर्ड था नॉन कंप्लायंट पेशेंट, ये बोर्ड आप लिख के दे दो हमको। हमको क्या बोलते हैं आप? तो लिख के दें यार, बोर्ड क्यों लिख के दें? अभी जो आपने विवाद देखा वह किसी निजी हॉस्पिटल का नहीं बल्कि यह विवाद इंदौर के सबसे बड़े हॉस्पिटल एमवाई का है। यहां के डॉक्टर मरीज से किस तरह से पेश आते हैं इस वीडियो को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे दो वीडियो सामने आए जिसमें एक हड्डी फ्रैक्चर के बारे में पूछना मरीजों के लिए भारी पड़ गया। डॉक्टर से परिजनों ने फ्रैक्चर के बारे में पूछा तो वह उल्टा मरीज के परिजनों से विवाद करने लग गया। डॉक्टर ने यह तक कह दिया कि हमारी 12 बजे तक की ड्यूटी के कारण एमवाई हॉस्पिटल चलता है। वहीं डॉक्टर मरीज के परिजनों से पूछने लगा कि आपको यदि बॉटल और सुई लगाना आती है तो लगा लो। दोनों डॉक्टर काफी देर तक हंगामा करते रहे। सर मेरे पेशेंट ऊपर है दूसरे मंजिल 10 नंबर वार्ड में, तो मैंने ना नीचे खाना खाने को आई छोड़ के उनको ऊपर, मेरी ननद में मेरी नंदई बढ़ती है तो वो डॉक्टर ने जबरदस्ती उनसे अंगूठा लगवा रहे और उनका पैर उठा के फेंक दिया। और हम बोलने गए तो गार्ड वाले को बुला के बत्तीमीजी करा रहे। गार्ड वाले हमको ऐसे ऐसे फेंक रहे नीचे। चलो बोले गार्ड वाले बत्तीमीजी कर रहे हो लेडीज, उन अपन बोलो तो आँख मारते हैं गार्ड वाले, और बोलने जाओ तो लेडीज उनको लेके आते गार्ड वाले और गार्ड वाले उन झंझोर चढ़ोड़ के फेंकती नीचे। एमवाई हॉस्पिटल में आया हूँ मैं, नागदा से मेरा पेशेंट लेके, मेरे ब्रदर है यहाँ पे पेशेंट के साथ। मतलब है ना, हमसे बोलते हैं कि बोले आप बोले हमें पैसे थोड़ी ना दे रहे हैं। मेरी कॉलर भी पकड़ी है, साथ में मेरे साथ में जो भी थे और भी जो वार्ड में पेशेंट थे उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, कॉलर पकड़ रहे हैं उनसे, प्यार हम सर सर करके बात कर रहे हैं, वो टूटाड़ा के भी गाली गलोच कर रहे हैं। और इतना तक मतलब है ना, ये बोल रहे हैं कि बोले हमारे पेशेंट को बोले अगर ज़्यादा करा तो बोले बाहर निकाल के, बोले बाहर निकाल देंगे, बोले ये कर देंगे। ज़बरदस्ती साइन करवा रहे हैं डिस्चार्ज करवाने के लिए कि बोले पेशेंट को ज़बरदस्ती लिखवा रहे कि कल से कुछ भी पेशेंट को हो तो हमारे से हमारा कोई लेन देन नहीं है। वहीं दूसरे वीडियो में एक बुजुर्ग महिला के साथ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर बदतमीजी कर रहा है। बुजुर्ग महिला का कहना था कि 15 दिन से अधिक समय से मरीज यहां पर भर्ती है, इलाज कब होगा? तो डॉक्टर भड़क गया। डॉक्टर का कहना था कि अभी थोड़े दिन और रुकना पड़ेगा क्योंकि अब स्थिति ठीक नहीं है। वहीं दवाई के बारे में जब महिला ने पूछा तो डॉक्टर ने एक पर्चा निकाल कर उसे थमा दिया। वहीं मरीज को सिर में चोट लगी थी लेकिन उसके बाद भी मरीज का 15 दिनों तक इलाज नहीं होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। एक दिन नहीं हुआ, इलाज नहीं हुआ है।
उसके सर में चोट है, वो नहीं इलाज हुआ है, फिर तो हो जाए वो, जानो क्या अभी दो पैसे की अकल नहीं है। तो मैं पता है कि उसको उसको सर में चोट है, पता है वो तो अच्छी बात है, ऐसे में बेहोश कर देंगे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो पग में तकलीफ हो रही उसको, ठीक हो जाने दो उसको, तुम जानती नहीं हो जाती अभी, तुमसे मुंह नहीं लगाना है। स्वास्थ्य मंत्री एमवाय अस्पताल को सुधारने के लाख दावे करें, लेकिन जिस तरह से एमवाय अस्पताल में तैनात डॉक्टर मरीजों के परिजनों से व्यवहार करते हैं, उससे कई बार यहां विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री भी एमवाय के डॉक्टरों को उनके काम को लेकर नसीहत दे चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिलहाल अब विवाद सामने आने के बाद किस तरह की कार्यवाही दोषी डॉक्टरों पर की जाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में कक्षा तीसरी में पढ़ने वाले एक छात्र मनीष को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की चपेट में आने से मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। मनीष रोज की तरह अपने घर से कुछ दूरी पर खेल रहा था, उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। फिलहाल तेजाजी नगर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दो भाई है और ये काम पे गए थे, रास्ते पे आ रहे थे खेलते हुए, तो ट्रक वाले ने कूद दिया। क्या नाम है इसका? मनीष महन। राला मंडल पहाड़ी के पास। सब मृतक बालक है मनीष पिता महेंद्र वर्मा, जिसकी उम्र 10 वर्ष है। ये डाला मंडल के पास गेट नंबर 2 के पास एक्सीडेंट हुआ ट्रक से। हाँ सब जो खेल रहे होंगे। भाजपा में रहने के बाद कांग्रेस में जाने वाले महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने पीएम नरेंद्र मोदी को जीतने पर बधाई दी। उनका कहना है कि मोदी अब भारी बहुमतों से जीते हैं तो राम मंदिर का निर्माण करवाएं और साथ ही गंगा की सफाई भी करवाएं। दिग्विजय सिंह की जीत के लिए हट योग करने वाले कंप्यूटर बाबा ने यह भी कहा कि दिग्विजय क्यों हारे, यह राजनीतिक विषय है। उनका कहना है कि राम मंदिर को लेकर वो और पूरा संत समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। आपको पूर्ण बहुमत है, अब कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। माननीय मोदी जी, मैं आपको बार बार बधाई देता हूं, पूरा संत समाज आपके साथ खड़ा रहेगा, कंप्यूटर बाबा के साथ लाखों संत आपके साथ खड़े रहेंगे, पर राम मंदिर बनाए, गंगा साफ करें। सावेर विधानसभा में 19 मई को हुए नेमीचंद तनवर हत्याकांड को सावेर के पूर्व विधायक राजेश सोनकर राजनैतिक रूप देने में जुटे हुए हैं। सोनकर ने मैदान पकड़ते हुए स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट पर जमकर आरोप प्रत्यारोप किए। उनका कहना है कि हत्याकांड से जुड़े बदमाश स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट से जुड़े हुए हैं। इसी को लेकर राजेश सोनकर ने सावेर विधानसभा में शांति मार्च निकाला। पूर्व विधायक ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार को सद्बुद्धि दे। आज सावेर नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा शांति मार्च निकाला गया। 19 तारीख को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कांग्रेस के लोगों द्वारा निर्मम हत्या की कर दी गई थी, उन हत्यारों को कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी का संरक्षण प्राप्त है। लगातार उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद मंत्री जी का आचरण घड़ी और मोहल्ले के गुंडों की तरह दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। कल सूरत में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर में भीषण अग्निकांड हुआ, उसे देखते हुए इंदौर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के चलते शनिवार को उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने शहर में संचालित होने वाली कोचिंग क्लास का दौरा किया और वहां उचित दिशा निर्देश दिए। उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के सभी कलेक्टर व पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि जहां जहां भी कोचिंग क्लासेस संचालित हो रही है, वहां वहां जाकर निरीक्षण करें और अनियमितता पाए जाने पर कोचिंग क्लास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। वहीं शनिवार को जीतू पटवारी ने भवरकुआ क्षेत्र में कई कोचिंग क्लासेस का दौरा किया और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। सुधारात्मक और गलतियों से सीखने जैसा सीखते हुए गलतियां सुधारता है। सूरत अभिनय जी थोड़ा सा नीचे कर लो, भयावह थी। 19 बच्चे उसमें एक तरह से हताहत हुए, ईश्वर को प्राप्त हुए। जो ये दुख, ये विषय मैं समझता हूँ देश के लिए आज गमगीन करने जैसे। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।